अप्रैल 2010 से भारत सरकार ने पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान के कई जिलों में उच्च शिक्षा पाठशालाओं में अध्यापक की कमी के कारण सभी को शिक्षा का लक्ष्य पाना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय देलोड़ा में लेखा शास्त्र और भूगोल के टीचर नहीं होने के कारण पिछले 4 सालों से विद्यार्थियों को काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहा हूँ, दिक्कत ये आ रही है कि तो यहाँ टीचर नहीं है पूरे, यहाँ टीचर नहीं होने की वजह से वाणिज्य जो यहाँ पहले साइंस थी जो तो तोड़वा दी, अब साइंस छोड़ के अब तो खाली कॉमर्स रही और कॉमर्स का भी अध्यापक नहीं, और अभी जो अध्यापक जी हैं वो रिटायर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यह बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में मैंने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो टीचर है नहीं, ये है जो रिटायर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको बच्चों बच्चियों के लिए अब आपको सोचना भविष्य जो हमने उसको उदयपुर भर्ती कराया। मेरा नाम नदीम शेख है, मैंने 2 साल पहले देलवाड़ा स्कूल से कॉमर्स से 12th पास किया है, और उस वक्त भी यही दिक्कत थी टीचर की, खासतौर से अकाउंटेंसी में कॉमर्स के अंदर उस वक्त भी टीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको स्ट्राइक करना पड़ा और 1 महीने तक लगातार अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सका, और फिलहाल भी यही पोजीशन है, यही कंडीशन है, टीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, अभी भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, कितने साल से अकाउंट के टीचर नहीं आ रहे? लगभग 4 साल से अकाउंट्स के टीचर का पद रिक्त है। जी, आप स्कूल चलने के बाद में कितने महीनों के बाद में अकाउंट के टीचर आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब स्कूल की जो परीक्षा चलती है विद्यालय में, कितने महीनों के बाद टीचर आते हैं यहाँ? नहीं, लगभग 15 अगस्त के आसपास तक हम व्यवस्था कर लेते हैं। आज भी एक अकाउंट्स के टीचर को कहलाया था, वो आके गए और उनको कहा कि शीघ्र ही हम बात कर लेंगे, और यदि उपयुक्त लगेगा छात्र को कुछ दिन आप चाहो तो अपनी इच्छा से पढ़ा के देख लो, जम जाता है तो हम आपके पढ़ाने की व्यवस्था कर देंगे। मेरी बहन भी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 साल बाद अपनी पढ़ाई शुरू करेगी, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि उसे भी इसी दिक्कत का सामना करना पड़े। नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन कराना पड़ता है, घर पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके फिर उनको कहीं पढ़ाई पूरी होती है। गई साल भी ऐसा ही हुआ, टीचर नहीं थे और बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि आप इस इलाके के एजुकेशन ऑफिसर से इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी जाँच कर इसका हल निकालने का प्रयत्न करें। मैं शंभू राजतवर देलवाड़ा से इंडिया अनहट के लिए।